The stones are thrown vertically upward with the same velocity of 49 meter per second. If they are thrown one after the other with a time lapse of 3 second, height at which they collide is. मतलब दो स्टोन्स को फेंका जा रहा है सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, लेकिन एक साथ नहीं, 3 मिनट के 3 सेकंड के इंटरवल के बाद फेंका जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितनी हाइट बाद वो कोलाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों कि पहला स्टोन 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 और सेकंड स्टोन था 49 मीटर पर सेकंड पर, और जो पहला स्टोन होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो 102.9 मीटर ऊपर होगी। अब मैं इस इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूँ या फिर मैं कहूँ अपना रेफरेंस फ्रेम बच्चों में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेट कर दूँ, तो पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी 29.4 मीटर पर सेकेंड, 49 माइनस 19.6। एक्सेलेरेशन रिलेटिव क्योंकि दोनों अंडर ग्रेविटी है जीरो हो जाएगा, और देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है इतना है, तो मैं निकाल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेकेंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में जो है, और जो वेलोसिटी है वो हम क्या देखेंगे, वो देखेंगे यू टू वन इन टू टी, और रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद ये इसके पास पहुंचा होगा। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम आ जाएगा 29 पॉइंट, देखिए हमें डिवाइड कर देंगे एस, दैट इज़ 102.9 डिवाइडेड बाई 29.4। तो हमें जो सॉल्व करना है वो करना है, क्या करना है, 102.9 डिवाइडेड बाई 29.4 की वैल्यू निकालनी है, जो एग्जैक्ट आएगी आपके पास 3.5 सेकेंड। अब हम अगर निकालें कि 3.5 सेकेंड बाद सेकेंड का जो हाइट होगी वहीं पे तो कोलाइड कर रहा होगा, क्योंकि इतने टाइम बाद कोलाइड कर रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इसकी हाइट होगी इतने ही समय पे ये इसी पोजीशन पे कोलाइड कर रहा होगा। तो बच्चों निकाल लेते हैं, तो आपका यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, u की वैल्यू है आपके 49, t की वैल्यू है 3.5 माइनस 1/2, g की वैल्यू है 9.8 और टाइम अगेन 3.5 का स्क्वायर। चलिए इसे बच्चों सॉल्व करते हैं, तो हमें करना है 49 इंटू 3.5 माइनस करना है इसमें से 0.5 इंटू 9.8 इंटू 3.5 इंटू 3.5 एंड दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 11.475 मीटर, यहाँ पर ये कोलाइड कर रहे होंगे। आइए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली बी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज द